किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं, और बात तो अफवाहों में भी नहीं पढ़ना है। तरह तरह की तुम्हें बातें मिलेंगी सुनने को, इसलिए भी मिलेंगी कि हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं। हाँ, यूट्यूब पर और ये नेट पर रोज तो हमारी शादी हो जाती है। हाँ, एवरीडे शादी, और हर बार लड़की बदल जाती है। ये तरह तरह के प्रपंच चलते रहते, कहीं कह देंगे अब बाबा जी यहाँ पधार रहे, अब बाबा जी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ भी करते नहीं है। वो नेट पर वो बना करके अब बना डाल देते हैं फेमस होने के। ऐसे तुम्हें 500 वीडियो मिल जाएंगे, ऐसे तुम्हें 600 वीडियो में, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। अपन तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। जय सीताराम। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना में नहीं पड़ना, जो सूचना होगी हम खुद वीडियो बनवा देते हैं। और एक बात बोलें, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, सच बताएं, हम तो आप सबको जगाने और आपसे मिलने चले आए, पर हमें पता नहीं था यहां भी ऐसे पागल रहते हैं इतने ज्यादा। हम और पहले आ जाते, लेकिन अब आ गए, अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जय सियाराम, जय जय सियाराम। तो सब लोग विनम्रता पूर्वक रहना, हमारे इन सूत्रों को आप जीवन में उतार करके रखना। आगे फिर कभी यहां पर दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, चिंता ना करो, आगे लगाया जाएगा। और आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न की खुजली हो तो पूछ सकते हो, पर अपने अपना नाम, पड़ोसी का नाम, बाप का नाम, पत्नी के कांड, ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये सब दरबार में बताया जाएगा। पर संस्कृति से संबंधित, अपने कल्चर से संबंधित, आपके मन में कोई दुविधा है, 2-5 मिनट में हम आप तक माइक पहुंचाएंगे, आप अपनी बात रख सकते हो, हम सुनेंगे भी। और इसके बाद में फिर एक भाव सुनाकर आज के सत्र को विराम करेंगे, क्योंकि 7 बज गए। अरे तो अबे जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमें भी जल्दी नहीं है। डॉक्टर साहब तुम्हें तो नहीं है जल्दी? फ्री हो? ठीक है भाई, आप तो पहले ही दिन से फ्री हो। डॉक्टर साहब तो पहले ही दिन से ही फ्री है, जिस दिन ये भारत में हमारे पास गए थे उसी दिन से हमारे लिए फ्री हो गए थे। लेकिन बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। कोर कमेटी के हमारी पूनम बहन, लॉ केस, जिनका नाम ना लें बुरा ना मानना भैया, क्योंकि हमारा बुढ़ापे का शरीर है, हमें इतने नाम याद नहीं रहते हैं, तो इन सब ने, और हम बहुत प्रसन्न भी हैं, हमारा प्यारा बेटा यहाँ नलिन भी रहता है, बहुत खुशी नलिन जी हमारे लुबालिया जी के साथ। अच्छा, पहली बार जब हमें दुबई आना था डॉक्टर साहब, तो ये जो बच्चा है ना नलिन, इसने ही कहा था कि आप आओ हम आपको घुमाएंगे। तो ये बच्चा हमको बुलाने गया, हमने कहा कोशिश करेंगे, अहलूवालिया जी बोले चलो, हम कहा कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा फंदा डाला कि हम निकल ही नहीं पाए, आना ही पड़ा हमको। लेकिन यहाँ आकर जो बिगेस्ट बिल्डिंग देखी हमने, जो गगनचुंबी इमारतें देखी, जो सौहार्द देखा, जो कलरफुल जीवन देखा, जो सभी संस्कृतियों का सम्मान देखा, और जो हमने विविधता में एकता देखी, 5 चीजें हमको दुबई की बहुत अच्छी लगी। आप कहो तो बताएं। पहली बात लगी यहां सभी संस्कृति और सभी धर्म गुरुओं का सम्मान, और आपको हम कहें, आपकी सरकार को, आपके राजा साहब को हम धन्यवाद देते हुए कहें, यहाँ के प्रिंस, कि आपने जो बागेश्वर धाम का यह कार्यक्रम जो आयोजित करवाया ना, जो आपने अबू धाबी में राम मंदिर बनवाया, इनसे आपने भारत ही नहीं विश्व में रहने वाले लगभग 120 करोड़ हिंदुओं के भाव को अपने से जोड़ा है। बागेश्वर धाम को आपने जो सम्मान पूर्वक बुलाया, जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी, इस कार्यक्रम को जो आपने कराया, सच बताएं, बागेश्वर धाम हम भर नहीं है,
यहाँ रहने वाले जो लाखों लोग हैं और भारत में रहने वाले 100 करोड़ जो सनातनी हैं, उनका नाम बागेश्वर धाम है। आपने 100 करोड़ सनातनियों के भाव का सम्मान किया है, ये पहली आपकी महानता है। दूसरी दुबई की महानता ये है, यहां समान नागरिकता है। हाँ जी या ना जी, बोलो है या नहीं। यहां के मूल निवासी भी वही नियम का पालन करते हैं जो बाहर वाले करते, हमने ये देखा। तीसरी यहां की बात जो सबसे खूबसूरत है, सभी को नियम पालन करना पड़ता है। भारत में चाहे तुम दाएं से गाड़ी चला लो, चाहे बाएं से, चाहे जितनी चींपों कर लो, पर यहां पर एक सिस्टम है और वो यहां के मूल निवासी भी फॉलो करते हैं और विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है कि यहां सब कुछ प्रोटोकॉल में है। यहां की हमने चौथी जो खूबसूरती देखी वो ये देखा है कि विश्व को एक आपने इतना बड़ा संदेश दिया कि यहां बड़ा मंदिर भी है तो गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है और मस्जिद भी है। ये जो आपने संदेश दिया ना, एक नई लाइन खींच दी, मतलब पूरी दुनिया में आपको सब कुछ देखना हो तो दुबई आ जाओ। पांचवी जो बात, अच्छा हम दुबई की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, पर हम गा रहे हैं। और पांचवी जो हमने बात यहां की देखी वो और अद्भुत है, सुरक्षा। हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी, ये पांच बातें तो हम यहां से लेकर के जा रहे हैं। और केवल सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य व्यवस्था। और हम तो ये बात लेकर के यहां से जा रहे हैं, हम अपने भारत में जाकर के सबको बताएंगे। पर भैया अब एक बात बोले, यही संस्कृति हमारे भारत से मिलती जुलती है। वर्तमान में हमारा देश भारत भी इसी ओर अग्रसर है, इसलिए भारत नित नई इमारतें बना रहा है, भारत नित नया इतिहास बना रहा है और राम मंदिर बना करके भी भारत ने एक नित नया इतिहास बनाया है। जो आपने यहां अबू धाबी में राम मंदिर बनाया, उधर अयोध्या में हमारे यहां बन गया। दोनों कंट्रियां जो दोनों देश हैं, दोनों बहुत तेजी के साथ विश्व की महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं इन दोनों देशों को किसी की नजर ना लगे। और दुबई के लिए, दुबई के साथ भारत का पुराना नाता है, दुबई की उन्नति में भारत के मूल लोगों का साथ है, लेकिन वर्तमान में भारत के लिए व्यापारिक केंद्र दुबई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हम तो भैया भारत में रहने वाले लोगों से भी कहेंगे, अद्भुत है। हम लोग अपने जीवन में इस बातों को देखो, जो जहां से पाओ उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छी चीज कहीं से भी मिले स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति भी, जिस संस्कृति से हम आते हैं, वो संस्कृति भी क्या अद्भुत है, उस संस्कृति की भी क्या अद्भुतता है, क्या विविधता है। हमारे भारत में भी भाषा अनेक है पर सबका दिल एक है।